सामने आया नेपाली टोली का वर्ल्ड कप स्क्वाड लिस्ट। ये टीम खेलेगी अगले T20 वर्ल्ड कप। तो किस किस खिलाड़ी को किस वजह से मिला है मौका और क्या संदीप लामिछाने की एंट्री वर्ल्ड कप के बीच में हो सकती है या नहीं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और हाल ही में संदीप लामिछाने ने किया हुआ एक हार्ट ब्रेकिंग ट्वीट के बारे में भी जानेंगे। तो आपको अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। तो अगले 2 जून से होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाली टीम ने अपना दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जीत दर्ज कर वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट होना नेपाल के लिए पहला पड़ाव था। और अब पूरे तैयारी के बाद और जो भी फाइनल टीम चयनकर्ताओं को अच्छी लगी है उन्हीं खिलाड़ियों को लेकर कैन की तरफ से 15 सदस्यीय वाली टीम को डिक्लेयर किया गया है। जिस स्क्वाड में बैटर के रूप में कप्तान रोहित पौडेल, आसिफ शेख, कुशल भुरतेल, अनिल कुमार साह, संदीप जोरा को लिया गया है, वहीं बॉलर के तौर पर ललित राजबंसी, अविनाश बोहरा, सोमपाल कामी, सागर धकाल को लिया गया है। उसी तरह ऑलराउंडर की सूची में कमल सिंह एरी, दीपेंद्र सिंह एरी, कुशल मल, गुलशन झा, करण के सी, प्रतीश जीसी को शामिल किया गया है। टीम में सिर्फ एक अकेले सोमपाल कामी है जो कि इससे पहले 2014 में भी नेपाल के लिए T20 वर्ल्ड कप खेले थे और लगभग 10 साल के बाद भी उन्हें टीम में शामिल किया गया है। आशा है कि उनकी एक्सपीरियंस मैदान के ऊपर बहुत काम आएगा। इनके अलावा और सभी खिलाड़ी अपना पहला वर्ल्ड कप लीग खेलने जा रहे हैं। इसी बीच कई सारे दर्शकों का यह सवाल था कि क्या संदीप लामिछाने इस साल वर्ल्ड कप खेल सकते हैं या नहीं। लेकिन आपको बता दें कि संदीप अभी भी टीम में शामिल रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सुनवाई होने में और भी 5 दिन बाकी हैं, अगर इस बार ये केस संदीप जीत लेते हैं तो मे बी उन्हें रिजर्व प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है। और यह बहुत बार भी हुआ है कि इन 15 खिलाड़ियों में से किसी भी खिलाड़ी को अगर इंजरी हो जाती है तो टीम रिजर्व प्लेयर्स में से किसी को स्क्वाड में शामिल कर सकती है। अब चलिए हम संदीप लामिछाने द्वारा किए गए एक दुखद ट्वीट के बारे में बात कर लेते हैं। आज जब विश्व कप के लिए प्लेयर लिस्ट का ऐलान हुआ और उस सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया तो संदीप नाराजगी दिखाते हुए अपने देश की न्याय व्यवस्था को धिक्कार करते हुए ट्विटर पर लिखे हैं कि मैंने खुद को लंबे समय तक पोस्ट करने से बचाया। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं साजिश का शिकार हूं। भगवान उन सभी को आशीर्वाद दें जिन्होंने इस साजिश में अपने भूमिकाओं का प्ले किया। मैं सब कुछ भगवान पर छोड़ देता हूं। समय सच्चाई को बताएगा जब तक कि उसे खोला ना जाए। उन्होंने साफ तौर पर विश्व कप के चयन में अपना नाम नहीं देखने के बाद ये ट्वीट किए हैं। लेकिन उम्मीद है कि संदीप को जल्द से जल्द न्याय मिले। हालांकि अब तक रिजर्व प्लेयर की सूची सामने नहीं आई है, लेकिन आशा है कि बहुत जल्द इस सूची में संदीप का नाम भी जरूर होगा। तो वर्ल्ड कप में नेपाल अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा, तो आशा करते हैं कि अगले कुछ ही दिनों में सभी नेपाली फैंस को एक खुशी खबर मिले। तो आपको नेपाल T20 स्क्वाड लिस्ट कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।